नमस्ते बच्चों, हम सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के हम महत्वपूर्ण संबोध सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे सर्वनाम। क्या सीखेंगे? सर्वनाम। तो चलिए जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। पहले जानते हैं परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहती है हमारी परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के जैसे कैसे होते हैं? ऐसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, हम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आदि। बच्चों, सर्वनाम की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि संज्ञा के बार बार वाक्य में प्रयोग करने से भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी सौंदर्य को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हम अब यह बात उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले उदाहरण। मीरा कल गांव जा रही है। मीरा कल गांव जा रही है। मीरा ने अपना सारा सामान बांध लिया है। मीरा अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। मीरा ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। मीरा का बहुत मन था गांव जाने का। इन वाक्यों में आपको कुछ अटपटा लग रहा है? संज्ञा बार बार आ रही है ना। कौन सी संज्ञा है? मीरा, गांव, मीरा, 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 गांव, मीरा, गांव, है ना। तो इन्हीं दोष को दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम। किस शब्द का उपयोग करते हैं? सर्वनाम के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा उदाहरण। मीरा कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो देखिए किस तरह वाक्य का सौंदर्य भी बढ़ा और हमारा समय भी बचा। इस तरह आज हमने क्या सीखा? सर्वनाम। क्या सीखा? सर्वनाम और सर्वनाम की परिभाषा। चलिए बच्चों, अलविदा, फिर मिलेंगे।